दोस्तों, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को क्रेडिट बेस्ड पार्टी बताती है, जो कार्यकर्ताओं को आगे लेकर चलने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इस राजनीतिक पार्टी के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सारे दावे बस दावे ही बनकर रह गए हैं। जहां विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में भारतीय जनता पार्टी ने ना तो अपने कार्यकर्ताओं की बात मानी है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे की बात मानी है। यह सारे दावे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में धरे के धरे रह गए हैं और पार्टी ने ऐसे लोगों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है जिनका विरोध खुद पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सर्वे के आधार पर स्थानीय कार्यकर्ताओं की मंशा के ऊपर टिकट वितरण की बात कही गई थी। खैर, आज बात कार्यकर्ताओं के विरोध वाली जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अभिलाष पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब जैसे ही स्थानीय कार्यकर्ताओं को अभिलाष पांडे के बारे में पता चला है तो बाहुबली नेता अभिलाष पांडे का विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सबसे चहेते अभिलाष पांडे का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इतना विरोध किया है कि उनके विरोध में जगह जगह पोस्ट भी लगा दिए गए हैं और पोस्ट के साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भाजपा से अलविदा भी कह दिया है। यानी कि अभिलाष पांडे इतने दबंग है कि इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं को नाराजगी भी होने लगी है। वहीं कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने तो बाहरी व्यक्ति को टिकट दिए जाने का भी विरोध किया है, जहां इन्होंने पोस्टर वॉर शुरू करते हुए लिखा कि बाहरी व्यक्ति का टिकट नहीं बदला गया तो भाजपा को वोट नहीं देंगे। अभिलाष पांडे की दबंग छवि के कारण इन्हें स्थानीय तौर पर कोई भी कार्यकर्ता पसंद करता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इनका विधानसभा चुनाव हारना लगभग फाइनल हो चुका है, क्योंकि अभिलाष पांडे के साथ भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं। वही मतदाता भी इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। बहरहाल, अब इस पूरे मामले में आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।